इन तीन लोगों को कभी उंगली मत पकड़ाना, नहीं तो ये पौंचा पकड़ लेते हैं। दर्शक बंधु, आज की ये कहानी आपको एक नई प्रेरणा, नई सीख देकर जाएगी। ये कहानी हमें उन लोगों से सावधान करती है जो लोग आपकी उंगली पकड़कर फिर पौंचा पकड़ लेते हैं। अर्थात आप यदि उनकी मदद के लिए आगे आते हैं तो वे आपके लिए ही मुसीबत बन जाते हैं। मित्रों, वे तीन लोग कौन हैं जिनकी हमें मदद नहीं करना चाहिए, और अगर मदद करना भी चाहिए तो उनसे उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए ताकि वे आपके साथ किसी तरह का धोखा ना कर सके, आपके लिए विपत्ति का कारण ना बन सके। तो मित्रों, इस कहानी को आप ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, ये कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, एक पेड़ पर एक चिड़ा और एक चिड़िया रहती थी। दोनों का उस वृक्ष पर घोंसला रखा हुआ था। दोनों पति पत्नी बड़े आनंद से अपने घोंसले में रहते थे। दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था। चिड़िया बड़ी ही दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। वो अक्सर भगवान का गुणगान करती रहती थी और अपने पति और बच्चों की अच्छे से देखभाल करती थी। वो अपने गृहस्थ धर्म का बहुत ही अच्छे ढंग से पालन कर रही थी। चिड़ा भी अपनी चिड़िया से बहुत प्रेम करता था। लेकिन बंधुओं, वो चिड़ा बहुत ही बुद्धिमान पक्षी था। नीति शास्त्र का उसे बड़ा ही अच्छा ज्ञान था। हर काम को बड़े ही सोच समझ कर करता था, और कहते भी हैं यही बुद्धिमानों और समझदार लोगों की पहचान होती है कि वो अपने प्रत्येक काम को बहुत ही सोच समझ कर और दूर तक की सोच कर करते हों। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता है, और ना ही उसके जीवन में कभी पछताने का या रोने का अवसर आता है। कहते हैं बंधुओं, शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को जो समय रहते नहीं दबाता, वो इनके बलिष्ठ होने पर इन्हीं के हाथों सर्वनाश को प्राप्त होता है। विपत्ति आने से पहले ही जो दूर तक की सोच लेता है, वो विपत्ति से अपना बचाव कर लेता है, और जो विपत्ति आने का इंतजार करता है, कहता है कि विपत्ति आने दो तब देखेंगे, वो फिर कुछ नहीं कर पाता। मित्रों, चिड़ा अक्सर अपनी चिड़िया को अच्छे अच्छे उपदेश देता रहता था। चिड़िया चिड़ा की हर बात बड़े ध्यान से सुनती थी और हर बात उसकी मानकर चलती थी। मित्रों, एक दिन की बात है, भयंकर आंधी और बारिश आ जाती है। चिड़ा और चिड़िया अपने घोंसले में आनंद से बैठे हुए थे। तभी कुछ देर के बाद कहीं से बारिश में भीगता हुआ एक कौवा आता है और चिड़िया के घोंसले के पास आकर चिड़ा और चिड़िया से निवेदन करता है कि भाई, मुझे अपने घोंसले में थोड़ी देर के लिए शरण दे दो, बारिश रुकने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। मित्रों, आंधी और बारिश का वो मारा कौवा जब चिड़ा और चिड़िया से उनके घोंसले में ठहरने की बात कहता है, तो उसकी दयनीय दशा को देखकर चिड़िया को कुछ उसके ऊपर तरस आ जाता है। चिड़िया कहती है अपने पति चिड़ा से कि स्वामी, ये कौवा मुसीबत का मारा है, बेचारा बारिश के थपेड़े खाकर देखो ना कितना परेशान हो गया है। एक काम करते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए अपने घोंसले में ठहर लेने देते हैं, बारिश रुक जाएगी तो ये यहां से चला जाएगा। कहते हैं यदि कोई दीनहीन मुसीबत का मारा अपने द्वार पर आता है तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, यही धर्म है। चिड़िया की बात सुनकर चिड़ा कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हारी भावना की कदर करता हूं। वास्तव में तुम एक नेक दिल वाली हो, दीनहीन प्राणियों पर दया करनी चाहिए, लेकिन हर एक प्राणी पर दया भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बड़े धूर्त और दुष्ट किस्म के होते हैं। वे दया करके शरण देने वाले को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए पहले ऐसे लोगों के बारे में खूब सोच परख लेना चाहिए। कौवा बड़ा ही दुष्ट और धूर्त प्राणी होता है। अगर इसको हमने अपने घोंसले में ठहर लेने दिया तो हो सकता है कि वो हमारे घोंसले को या आपको देखकर नियत खराब कर बैठे, इसलिए उससे दूर ही रहना ठीक है। ऐसे लोग अक्सर उंगली पकड़कर पौंचा पकड़ लेते हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक बड़ी ही प्यारी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोगों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। जरा ध्यान से सुनो। तब मित्रों, वो चिड़ा अपनी चिड़िया को एक कहानी सुनाता है, और चिड़िया अपने पति चिड़ा की बात को बड़े ही गौर से सुनती है। चिड़ा कहता है, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा और रानी रहती थी। राजा के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी,
धन दौलत के भंडार भरे हुए थे। रानी भी बहुत सुख से रह रही थी। राजा और रानी भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। दोनों को किसी तरह का कोई दुख नहीं था, परंतु एक दुख उनके जीवन में सबसे बड़ा था। राजा और रानी पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। प्रजा में भी राजा और रानी को लेकर काफी बातें हुआ करती थी कि ये राजा निर्वंशी है, ये रानी जाने कौन सा पाप करके आई है जो अभी तक इसकी कोख से कोई संतान नहीं हुई। ऐसा राजा का हमें सुबह शाम दर्शन करना पड़ता है। राजा और रानी का मुंह देख लें तो हमें दिन भर भोजन करने को नहीं मिलता है। ऐसे निर्वंशी राजा के राज में भी रहना पाप है। प्रजा की ये बातें राजा और रानी को भी सुनने को मिलती हैं, तो सुनकर उन्हें बड़ा दुख होता है। सोचने लगे, हे परमात्मा, ये हम क्या सुन रहे हैं। संतान देना और ना देना तो ये विधाता के हाथ में है, इसमें हमारा क्या दोष है। मित्रों, राजा रानी भगवान शिव के मंदिर में जाकर रोज यही प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, चाहे तुम हमें एक बेटी ही दे दो, लेकिन इस कलंक से हमें बचा लो। इधर जब प्रजा की इन बातों से रानी ज्यादा आहत हो जाती है तो राजा उसे समझाता है, हे प्रिय, समाज के लोग अगर कहते हैं, अपमान करते हैं तो करने दो, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी, भगवान शिव की कृपा होगी तो हमारी मुराद एक ना एक दिन अवश्य पूरी हो जाएगी। ज्यादा चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मित्रों, इस प्रकार से समाज के अपमान को भुलाकर राजा और रानी भगवान शिव की चर्चा में, भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इधर दोस्तों क्या होता है, एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए भूतल पर आए और उसी राज्य से होकर गुजरने लगे। तब उन्होंने राजा और रानी की ओर देखा तो वे समझ गए कि यहाँ का राजा और रानी संतान के लिए बहुत दुखी है। ये देखकर देवर्षि नारद फौरन कैलाश पर्वत पर जाते हैं और भगवान शिव को राजा और रानी के बारे में बताते हैं कि हे प्रभु, आज मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं कि पृथ्वी पर एक राजा और रानी आपके बड़े भक्त हैं, जो रात दिन आपकी भक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और फिर भी आपके भक्त एक संतान के लिए दुखी हैं। हे प्रभु, आप ऐसा क्यों करते हैं। जो भक्त आपकी भक्ति करते हैं, आप उनको ही दुखी और अपमानित क्यों करवाते हैं। भगवान शिव बोले, देवर्षि, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। सब अपने अपने कर्म का फल पाते हैं और जो समय निर्धारित है उस समय से पहले ना किसी को कुछ मिलता है और ना किसी को कुछ जाता है। जवाब दिया, प्रभु, बात तो आपकी ठीक है, किंतु ऐसी धन माया का क्या लाभ जिसका कोई उपभोग करने वाला ना हो। यदि आप उन्हें एक संतान दे दें तो आपके खजाने में कमी नहीं आएगी। ये बेचारी समाज के लोगों के तानों से, अपमान से बहुत दुखी रहती है। नारद की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, देवर्षि, ज्यादा परेशान मत हो, उस रानी की एक पुत्री होगी और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह होगी कि उस कन्या का विवाह एक मुर्दे के साथ में होगा। मित्रों, ये बात सुनकर के नारद बड़े हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की का विवाह एक मुर्दे के साथ में, ये तो और भी विचित्र कहानी है। नारद ने कहा, चलो जो भी हो, कम से कम उनके घर में संतान तो हो ही जाएगी। इस प्रकार देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं। इधर बंधुओं, धीरे धीरे समय गुजरता है। भगवान शिव की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर जब प्रसव काल होता है तो रानी के गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया। रानी और राजा ने देखा तो कन्या को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहने लगे, चलो, भगवान ने हमको एक बेटी दी है, बेटी ही सही, कम से कम हम उस कलंक से तो छूट ही गए जो लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे। दोस्तों, बड़ी खुशी के साथ राजा और रानी अपनी बेटी का लालन पालन करने लग जाते हैं। रानी ने अपनी कन्या का नाम गुणवंती रखा। राजा रानी के लालन पालन में गुणवंती धीरे धीरे सयानी होती चली गई। राजा ने अपनी कन्या को गुरुकुल में पढ़ने को बैठा दिया। मित्रों, गुरुकुल के जो आचार्य थे वो बड़े ही विद्वान थे। आचार्य ने जब राजकन्या गुणवंती को देखा तो उसकी मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा देखकर वे समझ जाते हैं कि कन्या का विवाह एक मुर्दे के साथ में होगा, लेकिन भी ये बात उस लड़की को नहीं बताते हैं। गुरुकुल के आचार्य गुणवंती को अक्सर करमजली कहकर पुकारते थे। जब करमजली कहकर पुकारते थे तो दो चार दिन तो वो लड़की
गुरु के इन शब्दों को चुपचाप सुनती रही। लेकिन ज्यादा दिनों तक उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एक दिन उसने गुरुजी का यह व्यवहार अपने माता पिता को बताया। उसने अपने पिता राजा से कहा, पिताजी, गुरुकुल के जो आचार्य हैं, जो गुरुजी हैं, वो हर रोज हमारा अपमान करते हैं, मेरा नाम अपमान से लेते हैं। राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी, आचार्य तुम्हारा क्या नाम लेते हैं? तब गुणवंती ने बताया कि पिताजी, हमारे गुरुजी हमें हमारा नाम ना लेकर करमजली कहकर बुलाते हैं। ये नाम सुनकर हमें बड़ा अपमान सा लगता है, हमें अपमान महसूस होता है। एक गुरु के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अपनी बेटी के शब्दों को सुनकर के राजा रानी को कुछ देर के लिए बहुत बुरा लगा। और सच बात है दोस्तों, अगर किसी माता पिता की बेटा या बेटी को अगर गलत नाम से कोई पुकारता है, उल्टा सीधा नाम लेता है, तो हर माता पिता के लिए दुख होता है। राजा और रानी ने कहा, ठीक है बेटी, हम कल तुम्हारे गुरुकुल में आकर तुम्हारे गुरु से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो हमारी बेटी का नाम क्यों बिगाड़ते हैं। उनसे कहूंगा कि हमारी बेटी का नाम करमजली मत लिया करो। इस प्रकार वे अपनी बेटी को समझा देते हैं। मित्रों, अगला दिन जब होता है, इधर गुणवंती जब अपने गुरुकुल में पढ़ने को जाती है, तो कुछ देर बाद उसके माता पिता यानी कि राजा और रानी गुरुकुल में जाते हैं और गुरुकुल के आचार्य से मिलते हैं और कहते हैं, हे गुरुजी, आपने हमारी बेटी का नाम करमजली क्यों रख दिया है? हमारी पुत्री का नाम तो गुणवंती है, जब आप उसे करमजली कहते हैं तो वो अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करती है, उसे बड़ा दुख होता है। तब गुरुकुल के आचार्य कहते हैं, राजन, हमने तुम्हारी बेटी की मस्तिष्क रेखा को पढ़ा है, इसका विवाह एक मुर्दे के साथ में होगा, इसलिए हमने इसका नाम करमजली रख दिया। मित्रों, राजा और रानी ने जब सुना कि उनकी बेटी का विवाह एक मुर्दे के साथ में होगा, तो यह सुनकर उन्हें बड़ा दुख होता है। लेकिन वो ये बात अपनी बेटी को नहीं बताते और गुरु से आज्ञा लेने के बाद अपने घर चले आते हैं और भगवान की इच्छा समझकर अपनी पुत्री को पालने लगते हैं। लेकिन उस दिन के बाद उनके मन में चिंता बैठ गई थी कि गुरुदेव ने बताया है कि हमारी बेटी का विवाह एक मरे हुए व्यक्ति के साथ में होगा। मित्रों, ये चिंता उनके दिल में बनती चली गई और धीरे धीरे बेटी गुणवंती भी इधर से आनी होती चली गई। गुणवंती जब जवान हो जाती है, शादी के लायक होती है, तब राजा रानी ने अपनी बेटी की ओर देखा। रानी ने कहा, कहीं गुरु की बात सत्य ना हो जाए। रानी बोली, इसलिए स्वामी, जितनी जल्दी हो सके इस बेटी को लेकर एक दूसरे शहर में चलते हैं और कोई अच्छा सा राजकुमार देख करके इसका विवाह कर देते हैं। अगर कहीं गुरु की बात सच हो गई तो हमारी बेटी का जीवन नरक बन जाएगा। मित्रों, राजा इस बात से सहमत हो जाता है। राजा ने कहा, ठीक है, हमें अतिशीघ्र किसी राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह रचा देना चाहिए। राजा रानी अपनी बेटी को लेकर के दूसरे शहर की ओर चल देते हैं अपनी बेटी का विवाह किसी राजकुमार से करने के लिए। जब वे दूसरे शहर को जाते हैं और रास्ते में जब वे पहुंचे, तो राजा रानी ने क्या देखा, एक बड़ा भयंकर सांड आ रहा था। वो सांड उनकी ही ओर चला आ रहा था। राजा रानी घबरा गए। राजा रानी अपनी बेटी को लेकर के आगे के लिए अपने प्राण बचाने के लिए भागते हैं। वो सांड भी उनका पीछा करता है। राजा रानी ने देखा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, तो उन्होंने भगवान शिव के लिए याद किया और कहा, हे प्रभु, इस सांड से हमारी रक्षा करो, थोड़ी देर के लिए हमें धरती में छुपने के लिए जगह दे दो, थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी को फाड़ दो ताकि हम इसमें छिप जाएं। मित्रों, जो भगवान शिव से वे दोनों प्रार्थना करते हैं, तो उसी समय धरती फट जाती है और उस धरती में राजा और रानी अपनी बेटी गुणवंती को लेकर छिप जाते हैं। उसके बाद वो धरती ऊपर से बंद हो जाती है। इधर जो सांड था, वो सांड भी वहीं बैठ जाता है और पृथ्वी से उनके निकलने की प्रतीक्षा करने लगता है। जब धरती से ये निकलेंगे, तब हम इनको मार डालेंगे। बहुत समय तक सांड प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब वे नहीं निकले, तो सांड जो था वो वहां से चला गया। इधर बहुत देर के बाद में रानी ने फिर अपने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर वो सांड चला गया हो तो हमें धरती से बाहर निकालो। मित्रों, इतना कहने के बाद में धरती खुल जाती है और राजा रानी अपनी बेटी को लेकर के फिर से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद में वो वहां से आगे के लिए चलने लगते हैं।
मित्रों चलते चलते उन्हें एक जगह शाम हो जाती है। जिस जगह वे पहुंचे थे वो नगर से बाहर एक सुनसान स्थान था। रात होने पर वे छिपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगते हैं कि कहीं कोई मकान दिख जाए। मित्रों तब तक उनकी एक नजर एक महल के ऊपर जाती है। रात्रि हो चुकी थी। राजा रानी ने विचार किया, चलो एक महल दिखाई दे रहा है, हमें इस महल में आज की रात गुजारना चाहिए और अगले दिन आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों अपनी बेटी को लेकर के राजा रानी उस महल के पास में पहुंचे। महल के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। महल का जो द्वार था वो द्वार बंद था। राजा और रानी अपनी बेटी को लेकर उस महल का दरवाजा खटखटाते हैं। सोचा कि शायद इस महल के अंदर कोई होगा जो हमें रुकने के लिए शरण दे दे। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उस महल का दरवाजा खुलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो बंधुओं राजा और रानी के अंदर जाने से पहले वो लड़की उस महल के अंदर प्रवेश कर जाती है। मित्रों आश्चर्य की बात यह थी कि उस लड़की के महल के अंदर प्रवेश करते ही उस महल का दरवाजा पुनः बंद हो जाता है। राजा और रानी महल के बाहर ही रह जाते हैं। यह देख करके राजा और रानी बड़े चिंतित होते हैं और बार बार दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं, बेटी दरवाजा खोलो। उधर अंदर से गुणवंती दरवाजा खोलने का बहुत प्रयास करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। अब तो राजा और रानी वहीं दरवाजे पर बैठकर उसके खुलने का इंतजार करने लगते हैं और मन में बड़े बेचैन होते हैं कि पता नहीं इस महल में कौन रहता है और हमारी बेटी के साथ पता नहीं क्या करेगा। वे बार बार भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी बेटी की रक्षा करना। मित्रों वे दोनों अपनी बेटी की उम्मीद में दरवाजे पर बैठे रहते हैं कि दरवाजा खुलेगा, हमारी बेटी निकलेगी और हम अपनी बेटी को लेकर आगे के लिए जाएंगे। दोस्तों इधर करमजलि उसी महल के अंदर बंद है। उसने देखा कि महल के अंदर बड़ी सुंदर सुंदर फुलवारी खड़ी है जिस पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर महल था। उस महल के अंदर खाने पीने की सारी सामग्री मौजूद थी। जगह जगह महलों में सुंदर सुंदर पलंग पड़े हुए थे। ऐसा लगता था जैसे इस महल में कोई राजा रहता है। लेकिन बंधुओं गुणवंती को उस महल के अंदर कोई भी नजर नहीं आता है। जब कोई दिखाई नहीं देता है तो वो लड़की बहुत घबरा जाती है। मित्रों उस करमजलि के लिए उसे महल के अंदर भूख लग जाती है। अब वो उस महल के अंदर भोजन तलाश करने में लग जाती है। उसने देखा कि एक चूल्हा रखा हुआ था। सोचा कि चलो इसी चूल्हे पर कुछ खाने को पकाते हैं। मित्रों जैसे ही वो चूल्हे के पास में पहुंची तो चूल्हे में कुछ राख पहले से भरी हुई थी। गुणवंती अपने हाथों से चूल्हे की राख साफ करती है। तभी एक ऐसा हवा का झोंका आता है कि उस चूल्हे से कुछ राख उड़कर गुणवंती की मांग में भर जाती है और वो राख एकदम सिंदूर में बदल जाती है। जब उसने देखा कि उसकी मांग सिंदूर से भर गई है तो वो भागकर दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजा तो पहले से ही बंद था। उसने आवाज देकर अपने माँ बाप को बताया जो दरवाजे पर बैठे उसके निकलने का इंतजार कर रहे थे। उसने बताया कि पिताजी अभी अभी मैं अपने खाने की व्यवस्था कर रही थी, चूल्हे से जब मैंने राख हटाई तो वो राख मेरी मांग में भर गई और वो एकदम सिंदूर में बदल गई। बेटे की बात सुनकर राजा रानी विचार करने लगते हैं कि लगता है आचार्य की बात सच हो गई है, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। फिर राजा ने कहा, बेटी जरा देखो तो अंदर कोई है तो नहीं, ध्यान से देखकर बताओ। गुणवंती अंदर महल में जाकर के देखने लगती है। बहुत देर तक इधर उधर देखती रही। तब उसने क्या देखा कि एक मुर्दा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर घास उगी हुई है। उसने आकर के सारी बात अपने पिता को बताई कि पिताजी यहां कोई इंसान तो नहीं है परंतु एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा है, उसके शरीर पर घास जमी हुई है। मित्रों मुर्दे का नाम सुनते ही राजा रानी समझ जाते हैं कि गुरुजी की बात सत्य हो गई है। फिर राजा रानी ने कहा, बेटी अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। गुरुकुल के आचार्य तुम्हें करमजलि इसीलिए कहते थे, उन्होंने हमें बताया था कि गुणवंती का विवाह एक मुर्दे के साथ होगा, ये बात हमने तुम्हें नहीं बताई थी और तुम्हारा विवाह करने के लिए ही हम दूसरे राज्य जा रहे थे ताकि तुम्हारी किसी राजकुमार से विवाह हो जाए और वो भविष्यवाणी झूठी हो जाए। लेकिन कहते हैं विधाता के लेख को
कोई बदल नहीं पाया है। बेटी, तुम्हारी किस्मती तुम्हें यहां पर लेकर आई है। अब हम कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे? इसलिए हमने निश्चय किया है कि तुम्हारे भाग्य पर छोड़कर तुम्हें अपने राज्य को हम वापस जा रहे हैं। तुम अपने भाग्य के साथ यहीं पर रहना। अगर किस्मत में सुख होगा तो तुम्हें यहीं पर सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार राजा और रानी वहां से अपने नगर को लौट जाते हैं। मित्रों, इधर गुणवंती उसी महल में रहती है और उसमें जो मुर्दा था उसके ऊपर जो घास उगी हुई थी, गुणवंती उस घास को धीरे धीरे से साफ करने लगती है। एक दिन ऐसा होता है कि उसने सारे शरीर की घास साफ कर दी। मुर्दे के ऊपर जमी हुई जितनी घास थी वो सारी घास हटा दी, केवल आंखों पर थोड़ी सी घास बची थी। जब उस मुर्दे का पूरा शरीर साफ हो जाता है तब उसने देखा कि अचानक से उस महल का दरवाजा खुल जाता है। वो भाग करके द्वार पर आती है, लेकिन वहां उसके माता पिता मौजूद नहीं थे। कोई भी वहां नजर नहीं आता है। अब वो लड़की उस मुर्दे के साथ उसी महल में अकेली रहती है। वहां उससे कोई बातचीत करने वाला भी नहीं था। धीरे धीरे कुछ दिन वहीं बीत जाते हैं। एक दिन उसके द्वार पर एक भिखारिन स्त्री आती है। वो स्त्री बहुत दुखी थी। उसने गुणवंती से कहा, बहन, मैं बड़ी ही लाचार स्त्री हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा पति मुझे जवानी में ही छोड़कर चला गया है। अपना पेट पालने के लिए भीख मांगकर गुजारा करती हूं। मित्रों, उस भिखारिन स्त्री की दुख भरी कहानी सुनकर गुणवंती को उस पर दया आ जाती है। गुणवंती सोचती है कि मैं तो वैसे भी इस महल में अकेली ही रहती हूं, क्यों ना मैं इस भिखारिन को अपने साथ महल में रख लूं तो मेरा भी समय आसानी से कट जाएगा और इसको भी भोजन वस्त्र आदि की सुविधा हो जाएगी। मित्रों, गुणवंती ने उस भिखारिन को अपने उसी महल में दासी के रूप में रख लिया। सोचा कि कुछ ना कुछ काम करती रहेगी। मित्रों, इस प्रकार गुणवंती उस भिखारिन को अपने महल के अंदर बुलाकर ले जाती है और जो वो फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी उससे कहती है कि अपने कपड़े निकाल दो, और नए कपड़े उसे लाकर देती है। मित्रों, उस भिखारिन की भी जिंदगी बड़े आनंद से उस महल में बीतने लगती है। वो दासी बनकर के गुणवंती के साथ रहने लगी। मित्रों, धीरे धीरे इस तरह से बहुत दिन बीत जाते हैं। वे हमेशा उसी महल के अंदर रह रही थी। एक दिन जब वो बाहर घूमने के लिए निकली तो उसने देखा कि बाहर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन उसने अपनी दासी से कहा कि मैं भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हूं। काफी दिन से मैं इस महल से बाहर नहीं गई हूं। आज मैं भगवान शिव के मंदिर जा रही हूं और इस महल का द्वार खुला है। उसने अपनी दासी से कहा कि तुम यहीं पर रहना और एक बात का ध्यान रखना, ये जो मुर्दा पड़ा है तुम पूरे घर की साफ सफाई करना, लेकिन इस मुर्दा की आंखों से घास मत साफ करना। जवाब दिया, ठीक है। मित्रों, इतना कहने के बाद में करमजली भगवान शिव की पूजा करने के लिए महल से बाहर मंदिर की ओर चली जाती है। इधर उस दासी ने घर की साफ सफाई की। अब जो करमजली उससे कहकर के गई थी कि इस मुर्दे की आंखों से घास मत हटाना, लेकिन मित्रों, वो दासी इस बात को भूल जाती है। उसने जाकर के मुर्दे की आंखों की घास साफ कर दी। अब तो मित्रों, जैसे ही उसने उस मुर्दे की आंखों से घास हटाई तो वो मुर्दा एकदम से सुंदर राजकुमार के रूप में जीवित हो उठा। अब वो मुर्दा नहीं था बल्कि एक सुंदर राजकुमार बन गया था। उस राजकुमार ने उस दासी से कहा कि काफी दिनों से तुमने हमारी सेवा की है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं और मैं तुमसे अब जल्द ही व्यवहार रचाने वाला हूं। राजकुमार की यह बात सुनकर के दासी मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है, लेकिन वो ये सोचकर उदास हो जाती है कि जब वो राजकुमारी यहां आएगी तो वो मुझसे ये राजकुमार छीन लेगी। इसलिए उसने राजकुमार को पहले ही बता दिया कि राजकुमार, हमारे महल में हमारे साथ एक हमारी दासी रहती है, वो इस समय मंदिर गई है। अगर वो आ जाए तो उसे देखकर उस पर नियत खराब मत करना, वो हमारी दासी है। राजकुमार ने कहा, नहीं प्रिय, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुमने हमारी सेवा की है तो हमारे ऊपर अब तुम्हारा ही अधिकार है। मित्रों, ये सुनकर के दासी मन ही मन बहुत खुश होती है। सोचने लगी, भगवान ने हम पर विशेष कृपा की है, पति रूप में हमें इतना सुंदर राजकुमार मिल गया। उसके अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उधर दोस्तों, मंदिर से जब करमजली लौटकर आती है और उसने महल के अंदर एक सुंदर राजकुमार को देखा तो वो समझ गई कि मैं इस दासी से मना किया था कि आंखों की सफाई मत करना, लेकिन इसने वही किया। वो आकर के उस दासी को डांटने लगती है। कहने लगी, हे दासी, मैंने तुमसे मना किया था,
और तुमने जानबूझ करके वही काम किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? मित्रों, उस समय राजकुमार अपने कक्ष में सो रहा था। वो यह नहीं समझ पाया कि मेरी पत्नी तो गुणवंती है, इस दासी ने उसके साथ धोखा किया है। मित्रों, दासी ने राजकुमार को पहले ही कह दिया था कि दूसरी जो स्त्री इस महल में रहती है वो मेरी दासी है, इसलिए राजकुमार उसको भाव नहीं देता था। वो दासी हर समय राजकुमार को भड़काती रहती थी कि वो अपनी दासी है, उसके पास मत जाना। राजकुमार भी कभी गुणवंती की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन राजकुमार ने उस दासी से कहा कि मैं अपने विवाह का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर में जा रहा हूं, और तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो, मैं उधर से लेते आऊंगा। दासी कहने लगी कि राजकुमार, हमें क्या चाहिए? यहां किसी बात की कमी नहीं है, इस महल में सारी चीजों की व्यवस्था है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने विवाह का सामान खरीद लाइए। दोस्तों, उसके बाद में जब वो राजकुमार शहर के लिए अपने विवाह का सामान खरीदने के लिए चल देता है तो उसकी नजर गुणवंती पर पहुंच जाती है। उसने देखा कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री हमारी होने वाली रानी की दासी है। चलो इससे भी कुछ पूछ लेते हैं, इसके लिए भी कुछ बाजार से लेते आएंगे। मित्रों, राजकुमार गुणवंती से कहने लगा कि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए, हम शहर जा रहे हैं, उधर से आएंगे तो लेते आएंगे। हम अपने विवाह का सामान खरीदने जा रहे हैं, कल हम अपनी रानी के साथ शादी रचाएंगे। मित्रों, ये सुनकर गुणवंती के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। सोचने लगी कि इस दासी ने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। लेकिन वो उस समय चुप रहती है। उसने राजकुमार से कहा कि यदि तुम हमारे लिए कुछ लाना चाहते हो तो बाजार से हमारे लिए एक कठपुतली ले आ। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार शहर को चला जाता है और अपने विवाह का अच्छा अच्छा सामान खरीदता है। उसके बाद में एक कठपुतली खरीदता है और फिर उसी महल में आ जाता है। राजकुमार ने वो कठपुतली गुणवंती को लाकर दे दी। इधर दोस्तों रात हो जाती है। राजकुमार अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चला जाता है और इधर वो दासी गुणवंती को जलाने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, हे गुणवंती, कल राजकुमार हमारे साथ विवाह रचाएंगे, मैं यहां की रानी बन जाऊंगी और तुम मेरी दासी बन करके रहोगी। ये सुनकर के गुणवंती का खून खौल जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। मित्रों, जब रात हो जाती है तो गुणवंती राजकुमार के पड़ोस वाले कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपनी उस कठपुतली से बातें करने लगती है। राजकुमारी रो रोकर उस कठपुतली से कहती है कि हे कठपुतली, इस महल में मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, अब तू ही मेरे पास है तो तू ही मेरी दुख भरी कहानी को सुन ले। हे कठपुतली, इस दासी ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है, मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके चले गए। हमारे गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारा विवाह एक मुर्दे के साथ में होगा, मुर्दे से विवाह ना हो इसलिए हमारे माता पिता एक राजकुमार की तलाश में दूसरे शहर में आए थे। चलते चलते रात हो जाती है, वे मुझे लेकर इस महल में रात्रि व्यतीत करने के लिए रुकते हैं। जब महल के द्वार पर आते हैं तो महल का द्वार खुल जाता है। मैं अपने माता पिता के अंदर प्रवेश करने से पहले मैं महल में दाखिल हो जाती हूँ, तभी महल का दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजे पर बैठकर मेरी माता पिता मेरी प्रतीक्षा करने लगते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। उसके बाद मुझे भूख लगने लगी थी, कुछ खाना बनाने के लिए मैं एक चूल्हे के पास गई। उस चूल्हे में कुछ राख पड़ी हुई थी, जब मैंने उस राख को हटाया तो वो राख उड़कर मेरी मांग में भर गई और वो सिंदूर में बदल गई। ये बात मैंने जाकर के अपने पिता को बताई तो पिताजी ने कहा, बेटी, तेरी किस्मत ही तुझे इस महल में लेकर आई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो हमें छोड़ करके अपने राज्य के लिए चले गए। मित्रों, उधर चिड़ा अपनी चिड़िया से कहता है कि हे चिड़िया, वो करमजली रात में ये बातें अपनी उस कठपुतली से कह रही थी। संयोग से उस दिन राजकुमार उसकी बातों को सुन रहा था। राजकुमारी आगे अपनी कठपुतली से कहती है कि जब मैं उस महल के अंदर रह गई तो मैंने इस घर की साफ सफाई की। इस घर में एक मुर्दा पड़ा हुआ था, मैंने उस मुर्दे के ऊपर घास साफ की, केवल आंखों पर थोड़ी सी घास शेष बची हुई थी। एक दिन यह स्त्री भिखारिन मेरे द्वार पर आती है, मैंने दयावश इसे अपने साथ रख लिया। उस दिन मैं मंदिर गई तो मैंने इससे मना किया था कि इस मुर्दे की आंख की घास साफ मत करना, लेकिन इसने मेरे आने से पहले मुर्दे की आंखों से उस घास को हटा दिया।
वो मुर्दा जीवित हो गया। उसी राजकुमार से मेरा रिश्ता होना था, लेकिन इस दासी ने अपने साथ रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रच लिया है। दोस्तों, ये सारी बातें राजकुमार सुन रहा था। मित्रों, राजकुमारी की सारी बातें सुनने के बाद वो राजकुमार समझ जाता है कि वास्तव में यही स्त्री मेरी पत्नी है। वो चुपचाप जाकर अपने कक्ष में सो जाता है और जब सवेरा होता है, शादी की तैयारियां होती हैं, ब्राह्मण लोग विवाह करने के लिए आते हैं, तो दोस्तों इधर राजकुमार ने अपने नौकर से कहा कि जो दासी है उसको बुला करके ले आओ। मित्रों, नौकर जाता है और करमजली को बुला करके ले आता है। राजकुमार ने मंडप पर अपने साथ गुणवंती को बैठाया और उसके साथ में विवाह संपन्न कर लिया। उधर वो भिखारिन सजी धजी महल में बैठी हुई सोच रही थी कि मेरा राजकुमार अब मुझे बुलवाएगा, तब मैं अपने राजकुमार के साथ में विवाह रचाऊंगी। राजकुमार से शादी करने के लिए वो बहुत व्याकुल हो जाती है। इधर तब तक राजकुमार ने करमजली के साथ में अपना विवाह रचा लिया। मित्रों, उधर वो दासी बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही। उसने सोचा, पता नहीं क्या बात है, अभी तक मुझे कोई बुलाने नहीं आया। तब उसने बाहर निकलकर देखा तो उसने देखा कि राजकुमार उस करमजली के साथ में विवाह कर चुका है। करमजली उसके बराबर में बैठी हुई थी। यह देखकर के दासी का खून खौल जाता है। दासी राजकुमार पर चिल्लाती हुई कहती है, राजकुमार, ये तुमने क्या किया? इस दासी से विवाह कर लिया? तुम तो हमारे साथ विवाह करने वाले थे। तब राजकुमार ने उस दासी को डांटते हुए कहा, अरे दासी, तूने हमारे होने वाली रानी के साथ गद्दारी की है। तू सड़क पर दर दर की भीख मांग रही थी, मेरी रानी ने तुझे शरण दी, तुझे अपने घर में रखा, तुझे भोजन वस्त्र आदि दिए और तूने उसी के साथ धोखा कर दिया। दोस्तों, इस तरीके से राजकुमार ने उस दासी को खूब डांटा। दासी एकदम से नीचे को सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। उसने राजकुमार से और राजकुमारी से क्षमा मांगी। दासी जब रोने लगती है तब राजकुमार उसे समझाता है कि हे दासी, भगवान शिव ने हमारा विवाह कुड़वंती के साथ ही लिखा था। किसी श्राप के कारण मैं मुर्दा बन गया था। तेरे आने से पहले मैं ही गुणवंती की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका था। मेरी रानी ने तुझको शरण दी तो तू इस बात का फायदा उठाना चाहती है। तुझे उंगली क्या पकड़ाई? अब तू तो पूरे महल पर मुझ पर कब्जा करना चाहती है। किसी ने सच कहा है कि इन तीन लोगों को कभी उंगली नहीं पकड़ानी चाहिए, वरना ये पूरे पर ही कब्जा करने की सोचते हैं। नंबर एक, जो व्यक्ति जल में डूबता हो उसे कभी जल में घुसकर उंगली नहीं पकड़ानी चाहिए, वरना वो आपके ऊपर ही चढ़ जाएगा। डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए किसी लकड़ी, रस्सी या डंडे का सहारा लेना चाहिए, यानी कि यदि स्वयं विपत्ति में नहीं पड़ना चाहते हो तो उससे उचित दूरी बनाकर ही उसकी रक्षा करें, उसकी मदद करें। नंबर दो, जो स्वभाव से आपका शत्रु हो, कहते हैं जो स्वभाव से आपका शत्रु होता है उससे हमेशा ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यदि आप उसे ज्यादा अपने नजदीक लाएंगे तो वो आपके लिए ही मुसीबत बन सकता है, उसे कभी ये मौका ना दें। मित्रों, नंबर तीन, लोभी लालची, धूर्त और दुष्ट व्यक्ति की मदद करने का अर्थ है वो आपको ही लूटने की सोचेगा। ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाकर रखें, इन्हें कभी भी वो मौका ना दें कि ये उंगली पकड़कर फिर आपके ऊपर कब्जा करने की सोचें। मित्रों, इधर चिड़ा कहता है, हे प्रिय, इसीलिए दया भी मनुष्य को सोच समझ कर दिखानी चाहिए। कुछ लोग दया के योग्य नहीं होते। वो राजकुमार आनंद से उस महल में अपनी रानी के साथ रहने लगता है। इधर चिड़िया समझ जाती है कि इस कौवे का स्वभाव दुष्ट है और दुष्ट कभी अपनी निष्ठा से बाज नहीं आता, इसीलिए इसकी मदद करना ठीक नहीं है। मदद भी उसी की करो जो मदद के योग्य हो। दुष्ट की मदद करना पाप का भागी बनना होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपके लिए बहुत ही अनमोल सीख मिली होगी। तो चलिए, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में इसी तरह की एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।